नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube मॉम चैनल पे। मैं हूँ प्रेरणा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अमेजिंग बात जो कि आपकी प्रेग्नेंट होते ही आपको शुरू कर देनी चाहिए आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हमारी नाभि हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन होती है, ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है। तो प्रेग्नेंट होते ही नाभि की केयर बहुत बढ़ जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं जो कि एक वीडियो में कवर करना बहुत ही कठिन है, असंभव है। लेकिन कुछ खास फायदे नाभि की केयर से रिलेटेड, कुछ खास फायदे प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो नाभि की केयर कैसे करनी है उसको भी हम जानेंगे, उन फायदों को भी जानेंगे। आज हम स्पेशली ये जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट होते ही नाभि में हमको ऑयलिंग करना स्टार्ट करना है। बहुत सारी महिलाओं को कंप्लेन होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी बॉडी पे, पेट पे, हिप्स पे, ब्रेस्ट पे, आर्म्स पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। कई महिलाओं को नाक में ड्राइनेस होती है, कभी ब्लड भी आ जाता है और नाक बहुत ड्राई रहने से खिंचाव उत्पन्न होता है और सर में, नाक में दर्द बना रहता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में होंठ बहुत सूखते हैं और पपड़ी सी पड़ जाती है, स्किन जो है बहुत ड्राई होने लग जाती है कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जो कि आयुर्वेद बताता है, जो कि योग शास्त्र बताता है, आपको नाभि में ऑयलिंग करनी है। अब आप जानना चाहेंगे कि नाभि में ऑयलिंग करनी कब से है और हमको दिन में कब करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप नाभि की ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि करने का समय, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि किसी स्पेशल समय पे करने से आपको इसके बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप नाभि में ऑयलिंग कर रहे हैं, ये ना हो कि थोड़े समय में वो वॉश आउट हो जाए और उसका पूरा अब्सॉर्प्शन बॉडी में ना हो। तो आप रात के समय अगर लगाएंगी तो वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में टिका रहेगा और वो अच्छे से बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकेगा। नाभि एक ऐसा स्थान है जहाँ से बहुत सारी नाड़ियाँ, कहते हैं शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और अधिकांश नाड़ियाँ हमारे नाभि से होकर ही गुजरती हैं। तो नाभि की ऑयलिंग करना, नाभि को नरिश करना, ऑयल का मतलब होता है चिकनाई, स्निग्धता, नरमी आती है ऑयल लगाने से। तो उन नाड़ियों को नाभि के तेल के माध्यम से पोषण मिलता है और वो पोषण हमारे पूरे शरीर को जाता है। नाक की ड्राइनेस खत्म होती है, होठों का रूखापन खत्म होता है, स्किन की ड्राइनेस खत्म होती है, चेहरे पे ग्लो आता है। नाभि में ऑयलिंग करने से आप इन्फेक्शन से बची रहती है, इन्फेक्शन से बचाने में बहुत हेल्पफुल होता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई तरह के पेन होते हैं, ज्वाइंट में, कमर में, कई जगह पेन होते हैं, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट अप एंड डाउन की तरह लगा रहता है प्रेगनेंसी में, उनमें भी आपको काफ़ी कमी रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वुमेंस की कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं ब्रेस्ट पे, बाजू पे, पेट पे। तो जब आप प्रेगनेंसी के दौरान नाभि में ऑयलिंग करेंगी तो थोड़ा ऑयल आपके पेट पे भी स्प्रेड होगा और मॉइस्चराइज होगी आपकी स्किन। इस तरीके से शुरू से ही आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और मॉइस्चराइज रहेगी और स्ट्रेच मार्क्स का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम ही आएगा, बहुत कम आएगा। हालांकि स्ट्रेच मार्क्स कई महिलाओं को बिल्कुल नेचुरली हील हो जाते हैं, कई महिलाओं को नहीं होते हैं। तो जिन महिलाओं को नहीं होते हैं उनको बहुत कम स्ट्रेच मार्क्स आएंगे अगर आप स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज रखती हैं। तो नाभि ऑयलिंग प्रेगनेंसी में हर तरीके से फायदेमंद है। अब बात आती है कि नाभि में कौन सा ऑयल डालें। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो हर स्टेप बहुत सावधानी से आपको लेना है। इसके लिए आपको नाभि में ऑयल केवल कोकोनट का डालना है, नारियल का तेल। नारियल का तेल जो कि मार्केट में मिलता है उनमें से भी आपको सही नारियल तेल चुनना है और जो कि ये है कोल्ड प्रेस विधि से बना हुआ वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको यूज करना है। और ये ऑनलाइन बहुत सरलता से मिल जाता है क्योंकि इसमें नारियल का पूरा पोषण है। ये आपकी बॉडी को तेल के साथ, स्निग्धता के साथ, चिकनाई के साथ साथ पोषण भी देगा क्योंकि इसके अंदर नारियल का सारा तत्व है, सारा पोषण है। इसीलिए आप प्रेगनेंसी में केवल इसी ऑयल से अपनी नाभि की ऑयलिंग करें। कई लोग मेडिकेटेड घी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर घी प्योर है आपके पास तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल से अच्छा मॉइस्चराइजर बॉडी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए कोई और नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आज से ही आप अपनी नाभि में ऑयलिंग करना स्टार्ट कर देंगी। और अगर आप ऑयलिंग कर रही हैं नाभि में अब तक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर टच कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आप और हम रोज मिल सके। धन्यवाद।